सामाजिक विज्ञान को छोड़ के साइंस के बारे में अब ये बोलोगे आप कि सर कैसे सामाजिक सम, विज्ञान और संस्कृत के बारे में आप तो बात ही नहीं करते कभी आज क्यों ऐसा बोल रहे हो भाई तो भाई हम उसके बारे में इसलिए और नहीं बात करेंगे ज्यादा क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ दो दिन के बस गैप मिला है दो दिन का गैप मिला है आपका साइंस में और दो दिन का गैप जो है बहुत कम होता है ऐसा सबको लगता है लेकिन बच्चों ये याद रखना दो दिन का गैप मिला है बहुत ही अच्छा मिला है और ये मान के चलना मानता हूँ कि तीन से चार दिन होना चाहिए लेकिन फिर भी दो दिन मिल गया है ना तो मन में ये लाओ कि दो दिन में ही सही हम उसको पढ़ के जल्दी से याद करके या फिर जो याद है उसको रिव्यूजन करके हम जल्दी जाके वहां एग्जाम में लिख कर आगे बढ़ जाएंगे क्योंकि जितना ज़्यादा लंबा होता है गैप उसमें आपको क्या आता है बोरियसनेस आता है ये कुछ बच्चे ऐसा होंगे जो साल भर नहीं पढ़े होंगे रत्ती भर नहीं पढ़े होंगे उनको लगेगा कि दो दिन का गैप बहुत कम है करके लेकिन भाई हमारे स्टूडेंट तो पिछले दो महीने से लगे हुए हैं ना तो उनको क्या करना है भाई अब परफॉर्मेंस के दिन आने वाला है तो उनको क्या करना है बस डट के सामना करना है तो चलो भाई हम स्ट्रेटजी के बारे में बात करते हैं कि दिन में आपको कैसे पढ़ना है क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ोगे और कैसे टाइम मैनेज करोगे कि आपको पूरा चैप्टर आप पढ़ पाओगे उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे भाई तो शुरुआत करते हैं बच्चा तो शुरुआत करेंगे, का हम बात करेंगे तो भाई आप जमकर पढ़ तो लिए होंगे ना तो अब अब उसी के बारे में बात करेंगे कि जमकर जो जितना पढ़े सर उसको दो दिन में है ना दो दिन में कैसे आप डील करोगे कैसे आपको कैसे माइंड में आप पूरा दो दिन में जो पढ़ोगे वो आप अगले दिन जो एग्जाम है आपकी कब भाई आपका तेरह मार्च को उसमें कैसे लिखोगे उसके बारे में बात करेंगे तो जो आपको पता है दो दिन बचा हुआ है सर ये तो पता है कब कब भाई हमें पता है सर ग्यारह मार्च और बारह मार्च दो दिन का गैप है सर इस ग्यारह मार्च और बारह मार्च में ही आपको जो परफॉर्मेंस देना है बच्चा जो परफॉर्मेंस पढ़ना है है ना पढ़ने की परफॉर्मेंस देना है मतलब उसके बाद वो तो तेरह तारीख को आपको क्या है भाई आपका तेरह तारीख को ही तो आपका एग्जाम है ना तो क्या समझे हम हम ये समझे सर कि 11 और 12 मार्च ही बचा हुआ है और आज जो आज का जो शाम है जो आपको वीडियो मिल रहा है बच्चा शाम को ही ना आपको 10 मार्च जो आज दिला के आया आप है ना तो ये जो आपको वीडियो आप जब भी देख रहे होंगे तो आपके पास कितना घंटा बचा हुआ है बच्चा आपको दस तारीख का जो पूरा शाम बचा हुआ है और कल और परसों जो ग्यारह और बारह तारीख है वो आपको दिखाई दे रहा है सर वो जो आपको अगले दिन आने वाला है ग्यारह और बारह तारीख उसमें आपको कैसे डील करना है उस पर चर्चा करेंगे और फिर जाके आपको तेरह मार्च को नौ बजे से आपको बारह बजे तक मतलब बारह बजे पंद्रह मिनट तक बच्चा पूरा लिख के आना है पूरा जबरदस्त तरीके से आपको परफॉर्मेंस देख के आना है तो चलो भाई अब माइंड में यह आएगा सर ये तो बात हुई ठीक है अब हमें डील कैसे करना है इसके बारे में बात आएगा तो हमें डील कैसे करना है बच्चा तो हमें सबसे पहले बनाना है गोल बनाना है क्या गोल बनाना है भाई शॉर्ट टर्म गोल मतलब छोटा छोटा गोल बनाना है अब वो कैसे बनाएंगे छोटा छोटा गोल तो चलो चर्चा करते हैं तो छोटा छोटा गोल में हम बात करेंगे सबसे पहले बात करेंगे भाई कि जो दस मार्च को है बच्चा दस मार्च को मतलब आज है ना जो 10 मार्च है अपना आज उसमें हमें हमारा गोल क्या है सर वो है एक चीज़ कि छाटना है हमें कि कौन सा टॉपिक जो है वो हार्ड है और कौन सा टॉपिक क्या है भाई हार्ड है और एकदम ज़्यादा सरल इसको आज ही करना है क्यों भाई अब आप पेपर दिला लियो आज अब आपको माइंड में क्या लगेगा कि दो दिन बच्चे ग्यारह और बारह कुछ बच्चे होंगे जो जिनको लगेगा कि आज सीरियसली मैं पढ़ लेता हूँ एक से दो चैप्टर फिर मैं पढ़ूंगा दो दिन बचा है उसमें पढ़ूंगा कुछ बच्चे का माइंड में आएगा लेकिन बहुत सारे बच्चे क्या सोचेंगे आज गणित तो बना लिया मैं क्वेश्चन मैं आज नहीं पढ़ूंगा सोच रहे होंगे भाई आपको आज पढ़ना है दस मार्च जो है आपका वो बताता है मैथ्स दिला दिया लेकिन शाम को जो टाइम है भाई अब बारह बजे से तो गए हो ना एग्जाम दिला के एक बजे आए होंगे खाए पिए होंगे जैसा भी हो फिर थोड़ा बहुत आराम किए होंगे अब आप हमारा वीडियो भी देख रहे होंगे अब इस वीडियो देख कर आपको पता चलता है कि आपके पास तो बहुत टाइम है क्यों क्योंकि आपके पास पूरा जो शाम बच्चा हो उसमें आप एक से दो चैप्टर का पढ़ाई कर सकते हो जो कि ईजी रहे अब कौन जी बच्चा हम बताते हैं आपको इस शाम को क्या पढ़ना है क्योंकि आपको हार्ड टॉपिक को कल और परसों करना है बच्चा और हार्ड टॉपिक तो ज्यादा है ही नहीं आप तो साल भर पढ़े हो भाई साल भर नहीं पढ़े तो लास्ट दो से तीन महीने तो पढ़े होंगे ना आपको बस रिविजन करना है अच्छे से और उसके चर्चा करते हैं भाई तो चर्चा करते हैं सर तो हमें पता चलता है कि हमें तीन जो चैप्टर है वो हमें सबसे सॉफ्ट मतलब कहा जा सकता है सबसे सरल दिखाई देता है इस पूरे अट्ठारह चैप्टर में अब विज्ञान के हमारे अट्ठारह चैप्टर है एक से बात करूंगा तो अठारह तक में इसमें जीव विज्ञान रसायन शास्त्र और भौतिकी का तीनों तीनों पार्ट का सब सम्मिलित है छह चैप्टर भौतिकी का छह चैप्टर आपका रसायन का छह चैप्टर आपका किसका भाई बायोलॉजी का है ये तो पता ही है मैं पूरा डील कर चुका हूं अब कैसे लेना है हम कैसे करेंगे जो सरल है उसको पढ़ लेते हैं आज दस तारीख को आज को शाम को क्योंकि आपको ये जो सरल चैप्टर है बच्चा उसको आज पढ़ोगे क्योंकि आपको माइंड थोड़ा बहुत भरा हुआ है वो भी निकल जाएगा आप शॉर्ट पढ़ोगे तो सस्ता वाला जो चैप्टर उसको पढ़ोगे तो आपको मन में ये पॉजिटिविटी आ जाएगा कि आज आपने दो चैप्टर कर रखा है दो से तीन चैप्टर कर रखा है कुछ बच्चे अगर एक चैप्टर भी करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है लेकिन आज जो आपको एक चैप्टर पढ़ ही लेना है वो भी कौन सा टॉपिक भाई वो देखो वो है आपके इस तीन टॉपिक जो दिख रहा है बच्चा चैप्टर नंबर तीन उष्मा और तापमान और चैप्टर नंबर पांच हमारा पर्यावरण पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह और चैप्टर नंबर अठारह ऊर्जा के स्वरूप एवं स्त्रोत ये जो तीन टॉपिक है बच्चे ये जो तीन चैप्टर है वो बहुत ही सरल है इसमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा तो मैं बोलूँगा आपको प्राथमिकता दूंगा ये कि आप आज भी इन तीनों चैप्टर में से कम से कम दो करके जाइए मतलब दो से दो आज कर ही लीजिए आप अगर वीडियो जैसे अपलोड हो रहा है आप देख रहे हैं है ना तो आपको ये तो पता चल गया होगा कि आपके पास वीडियो देखने के बाद कितना टाइम बच रहा है वो तो पता चलता है मुश्किल से अगर मैं देखूँ तो आपके पास चार घंटा बच रहा होगा चलो अगर आप रात के आठ बजे भी देख रहे हैं तो आपको ये पता चल गया होगा कि आपके पास अभी भी कितना बजा बचा, बचा बचा हुआ है दस बजे तक या फिर ग्यारह बजे तक अगर पढ़ना चाहो तो आपको कम से कम दो चैप्टर कर लोगे देखो अगर दो चैप्टर करोगे बच्चा अगर आप चैप्टर नंबर तीन करोगे या तो फिर चैप्टर नंबर पाँच करो तो ये दोनों अगर चैप्टर करते हो आप आज में ही है ना अगर आज में कर दी तो दस मार्च को जो आज का शेड्यूल आपका कंप्लीट हो जाएगा बच्चा टेंथ मार्च का जो शेड्यूल है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा फिर मैं बात करूंगा ग्यारह और बारह मार्च को जिसको मैं बोलूंगा डे वन और डे टू आज को बोलूंगा टेंथ को उसको बोलता हूँ सर डे जीरो हमारा गोल कितना है बच्चा हमारा गोल है सर तीन दिन का अगर मैं बात करूं तो डे जीरो मतलब ये दस मार्च की बात हो गई मतलब आज की बात हो गई और डे वन ये बात हुआ सर ग्यारह मार्च का ठीक है और डे टू ये कौन है बच्चा आपका ये हुआ ट्वेल्थ ऑफ मार्च को और तेरह मार्च को तो एग्जाम ही है ठीक है अब सिवा उस दिन क्या कर सकते हो बारह मार्च को सिर्फ और सिर्फ अंत में मतलब सब खत्म करने के बाद रिविजन करना जिसके बारे में थोड़ा देर बाद चर्चा करूंगा तो मैं क्या बात बात कर रहा था कि दस मार्च को मतलब आज जो आपका आज जो आप देख रहे हो वीडियो तो आप डे जीरो को क्या करना है इस तीनों चैप्टर में से किसी दो चैप्टर को कंप्लीट करना है अगर तीन चैप्टर करते तो बहुत ही जबरदस्त बात है बहुत ही बढ़िया है है ना लेकिन आपको कम से कम दो चैप्टर करके जाना है है इस तीनों से जो कि चार नंबर के लायक भी और दो नंबर क्वेश्चन आता है तो ये जब बहुत ही सरल है सर तो इसको क्यों ना कर लिया जाए इसमें थोड़ा मैथमेटिकल जिसका मैं डील कर चुका हूं भाई, आप हमारे प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं ठीक है अब ये तीनों में से आप दो कर दिए अब बात आती है चलो डे वन की अब डे वन के बारे में बात करूं अगर बच्चा तो डे वन में मुझे पता चलता है सर कि अब अब इस कौन सा तारीख हमारे पास पता चलता है तारीख को मतलब क्या क्या बच्चा कल कल की बात कर रहा हूं मैं कल आपको क्या करना है भाई आपको कल करना है कितना क्वेश्चन आप देखो दो चैप्टर तो कर ही रखे हो चलो मैं मान के चल रहा हूं अगर नहीं किए एक चैप्टर की हो तो आपको किसी भी हाल में आज उसको कर ही रखना है मतलब आपको टारगेट लेकर चलना है सर कैसे पहला दिन जो डे जीरो है उसमें आपको दो चैप्टर करके चलना है पहला दिन ठीक है बच्चा दूसरे दिन आपको मतलब डे वन के दिन मतलब आज के बाद कल है ना कल वाले दिन आपको क्या करना है भाई आपको लगभग कितना करना है बच्चा छ से सात चैप्टर करना है समझो यार से समझो भाई क्योंकि मेहनत आप किए हो परफॉर्मेंस आपको देना है बच्चा तो इसके लिए आज का पढ़ाई कल का पढ़ाई और परसों का पढ़ाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है है ना तो भाई जितना मेहनत किए कर लिए साल भर अब परफॉर्मेंस की बारी है आत्मविश्वास रखने की बारी है उसके लिए मेहनत की फिर से वो बारी है रिव्यजन करने की तो चलो भाई कैसे करना है सर तो हमें दो हो गया पहला दिन छः से सात चैप्टर कर रहे हो आप किस में भाई आज के बाद जो कल आने वाला है उसमें कर रहे हो ठीक है उसके बाद बचा हुआ कितना सर अगर मैं सात चैप्टर लेख चल रहा हूं सात दो हो गया नौ नौ चैप्टर हो गया टोटल है अट्ठारह वो बच रहा है नौ चैप्टर लास्ट जिसको अट्ठार कौन सा दिन करोगे जो आपका बारह मार्च है ये मान के चलना अगर आपको ये जमता है शेड्यूल में बच्चा तो करके देखना क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस बोलता है आप एकदम कर लोगे और आपको रिविजन बस करना है आपका प्रिपरेशन अच्छे से हो गया है पहले से तो ज्यादा आपको दिक्कत नहीं हो सकती है ना अगर आपको कुछ लगता है कुछ चैप्टर में दिक्कत होती तो आप कम ज्यादा कर सकते हो भाई कोई वो इसमें

उसको हल्का फुल्का आधा घंटा रिविजन कर लो बच्चा ठीक है हल्का फुल्का रिविजन कर लिए उसके बाद पता चला सर क्या मुझे आगे बढ़ना है अब आगे बढ़ने तो कैसे चालू करोगे अब देखो पहले तो सस्ता से चालू किया एकदम सरल से चालू किए हो अब सरल से चालू तो कर दिए हो अब क्या करना है अब आप वो कल जो क्या करोगे उससे थोड़ा से एडवांस में जाओगे एडवांस में मतलब थोड़ा सा हार्ड में जाओगे फिर धीरे 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 करके आप हार्ड की ओर चलोगे और तब तक आपके माइंड में क्या लगेगा कि मैं पूरा चैप्टर पढ़ लिया तो पॉजिटिव रिस्पॉन्स आने लग जाएगा कैसे अब देखो डे वन के दिन क्या करोगे जीवो का विकास पढ़ोगे है ना अब न छा रहे हो पढ़ोगे चैप्टर नंबर टू चैप्टर नंबर वन हो गया और चैप्टर नंबर थ्री ये तीनों चैप्टर को आपको कर लेना है भाई कितना घंटा लगेगा अप्रॉक्स अगर मैं बात करूं तो आपको नहीं नहीं में तो कम से कम ये चार से पांच घंटा लगेगा तीनों चैप्टर करने में बच्चों किसी बच्चों को जो लग सकता है सात से आठ घंटे भी लग सकता है वो अपने कैपेसिटी के हिसाब से कर सकते हो भाई अब कोई बोलेगा सर सात से आठ घंटे सिर्फ ये तीनों में लग रहा है बाकी बच्चों हुआ कितना है छह चैप्टर है देखो ये तीन इधर है तीन चैप्टर और बच गया क्योंकि आप दो कर लिया हो है ना तो कैसे करोगे तो भाई एग्ज़ाम के दिन में ही तो आपको रिवीजन अच्छे से करना है भाई तो उस टाइम में तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा तो मतलब चौबीस घंटा होता है आपके पास चौबीस घंटा होता है उसमें अगर आप आठ घंटा की नींद ले रहे हो ठीक है और आठ घंटा नींद ले लिए और दो घंटा खाना और मूड फ्रेश में लग गया और अगर मैं बात करूं चलो एक घंटा आप क्या कर दिए एक घंटा और इधर टहलने वाले में निकाल दिए तो कितना घंटा होता है सर आठ दो दस ग्यारह ग्यारह घंटा घटा दो बच्चा चौबीस में ग्यारह घटाओगे तो कितना पता चलता है तेरह घंटा आपके पास है इस तेरह घंटा में आपको कितना पढ़ना है भाई तेरह घंटा ही तो पढ़ना है जिसमें क्या करोगे पाँच मिनट दस मिनट का ब्रेक भी रहता है है ना ठीक है वो पढ़ना क्या है इसमें आपको पूरा रिव्यूजन करना है और माइंड में पूरा बसाक चलना है ये मान के चलना है कि आप इसमें पूरा कंप्लीट करोगे ठीक है और अपने माइंड को एक संकेत देना कि मैं इस प्रिपरेशन को अच्छे से कर रही हूँ और मैं करके रहूंगी और करते रहना है करते रह के आगे बढ़ना है रहूंगी रहूंगा आप देख लेना भाई आप कैसे आप मेंटेलिटी वो करते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना तो मैं क्या बोल रहा था तो आप क्या करोगे भाई डे वन के दिन जियो का विकास चालू करोगे तीन चैप्टर कंप्लीट करोगे फिर आगे बढ़ोगे फिर आपको बात करना है विद्युत धारा में परिपथ का और हाइड्रोकार्बन के उत्पन्न और दैनिक जीवन में रसायन ये तीनों चैप्टर और इधर का ये तीनों चैप्टर कंप्लीट करना है डे वन के दिन और जो एक चैप्टर बच गया था बच्चा इससे जो दो चैप्टर किए थे उसको भी पहले दिन में कंप्लीट करना है मतलब कल में कंप्लीट कर देना है पता क्या चलता है सर मुझे पता चल गया कि इधर के तीन कंप्लीट हो गया सर और इधर के तीन और ये तीन मतलब टोटल में कंप्लीट कर दिया नौ चैप्टर कंप्लीट कर दिया ठीक है ऐसा करके चलना है बच्चा नौ चैप्टर कर दिया आप कितने तक भाई कल तक ग्यारह मार्च तक आप कंप्लीट कर दिए क्या भाई पूरा नौ चैप्टर अब बात आती है अगले दिन की परसों की बारे में ये तो कंप्लीट कर दिया आप मैं थोड़ा देर में ये आऊंगा कि कैसे आपको शेड्यूल रखना है कैसे आपको चलू तो डे तो टू तो के बारे में बात करूं तो डे टू में मुझे क्या पता चलता है सर मैं धीरे धीरे करके कहा से कहा पढ़ लिया चैप्टर नंबर एक से चैप्टर नंबर छह तक पढ़ लिया सर और नीचे में कौन सा था ये आपका सत्रह सोलह और सत्रह नंबर का चैप्टर नीचे के सोलह और सत्रह भी पढ़ लिया और साथ में अठारह नंबर का जो ऊर्जा स्वरूप है उसको भी पढ़ लिया टोटल मैं इधर से बात करूं तो छह चैप्टर इधर से बात करूं तो दो चैप्टर और इधर से बात करूं तो एक चैप्टर टोटल नंबर कितना हो गया मैं नौ चैप्टर को पढ़ रखा हूं सर कब कब डे जीरो मतलब क्या भाई आज पढ़ लिया कंप्लीट डे वन उसमें भी कंप्लीट मतलब दो दिन मेरा खत्म हो गया अब बारी आती है फाइनल दिन एग्जाम के एक दिन पहले उस उस दिन आपका कैपेसिटी बहुत हाई होना चाहिए उस दिन आपको क्या करना है भाई एक नया एनर्जी आज ही बस एग्जाम बचा हुआ है और मैं आज डट के मेहनत करूंगी करूंगा फिर जाके मेरा अगले दिन परफॉर्मेंस स्ट्रेस लेना नहीं है बच्चा अगर आपको लगता है कि अगर सर जो बोल रहे हैं वो आपको गलत लगता है तो क्या करना जो बचा हुआ चैप्टर उसको उस दिन कर लेना या फिर अपने हिसाब से आप चल सकते हो लेकिन मैं बता रहा हूं क्योंकि आपके माइंड में ये प्रेशर पहले से रहेगा बच्चा कि दो दिन बस बचा हुआ है सर तो दो दिन में कर कैसे कर पाऊंगी तो

तो तो ये तो बात की बात है लेकिन हमारा बच्चा जो है वो टारगेट लेके चल रहा है जितना भाई टॉप 75 में 75 आने का टारगेट ले रहा है हमारा बच्चा और पूरा मेहनत किया है तो पूरा कंप्लीट करके रहेगा और अपना शेड्यूल अच्छा से रखेगा है ना तो यहाँ तक की बात समझ में आई अब मैं बात करूंगा किसका भाई डे टू के बारे में बात करूंगा डे टू में आपको क्या करना है और कैसे करना है इस पर चलेंगे तो आज हमें क्या देखना है इसमें डे टू में क्या देखना है भाई हमें बात करना है 12 मार्च को किसके बारे में धातु एवं धातु कर्म और जैविक प्रक्रियाएं पोषण परिवहन श्वसन एवं उत्सर्जन मतलब क्या बच्चा आपका चैप्टर नंबर कौन सा है भाई चैप्टर नंबर नाइन सर और चैप्टर नंबर इलेवन और चैप्टर नंबर आपका जो सेवन है उसको लेके चलना है साथ में ये देखो शुरुआत कैसे हो रहा है इस चैप्टर इस दिन का आप कर लिए हो नौ चैप्टर उसको रिविजन करने की अभी जरूरत नहीं है क्यों क्योंकि स्टार्टिंग दिन में आपको माइंड जो है सरल को पढ़े थे तो सरल को पढ़ने के बाद हल्का सा रिविजन किए थे आप डे इलेवन में मतलब आप कब किए कब किए भाई इलेवेंथ तो मार्च को हल्का सा रिविजन किए थे अगर आप लगता है कि भूल रहे हो करके तो हल्का सा देख लो एक घंटा में देख सकते हो लेकिन मैं बोलूंगा आपको आज ये कंप्लीट करके ही चलना है आपको परसों जो बात करना है परसों जो पढ़ना है उसको कंप्लीट करके जो शाम को टाइम मिलेगा जो रात में जो टाइम निकालोगे और सुबह जो पढ़ बच्चों उसमें आपको पूरा कंप्लीट रिविजन करना है है ना तो चलो हम बात करते हैं भाई अब ये तो होगा सर किसमें आपको बात करना है बारह मार्च को ट्वेल्थ ऑफ मार्च को है ना मतलब फाइनल डे के दिन ठीक है बच्चा अब ये फाइनल डे के दिन कौन सा दिन जो एग्जाम के दिन पहले उसकी बात है ना ठीक है अब ये तीनों चैप्टर को देखना है उसके बाद चलना है आगे फिर जो जैविक प्रक्रिया है उसका भी जो पार्ट है है ना आठवा नंबर का चैप्टर और उसके बाद जो चौदह नंबर का चैप्टर है उसको लेके चल रहा है भाई उसके बाद ये दोनों तो हो गया सर ये तीनों भी कर लिए कंप्लीट है ना अब ये दोनों और ये तीनों ये कंप्लीट जो एक क्वेश्चन आता है बड़ा क्वेश्चन आता है जो छह नंबर का रहता है अब ये पढ़ने के बाद आपका जो आत्मविश्वास है बच्चा जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ जाएगा क्योंकि आप जो है लगभग सब क्वेश्चन का आंसर कर ही रखे होंगे याद पूरे अच्छे तरीके से और आत्मविश्वास जो है आपका बढ़ जाएगा क्योंकि आपने क्या पढ़ लिया बच्चा आपने नौ चैप्टर पहले से और इधर से पांच चैप्टर अभी कंप्लीट कर रखा है कब आप परसों जब करेंगे तो यहां तक आते तक है ना बच्चे यहाँ तक आते तक आपका कॉन्फिडेंस जो है बढ़ जाएगा क्योंकि आप लगभग साठ से सत्तर परसेंट तक है ना साठ से सत्तर परसेंट मतलब अगर मैं साफ साफ शब्दों में बात करूं तो आप लगभग 45 से अड़तालीस नंबर के आसपास का क्वेश्चन पढ़ लिए क्वेश्चन जो आने वाला है उसको पढ़ लिए बच्चा अब बच्चा हुआ जो पचहत्तर में है ना उसमें जो चौबीस नंबर बच्चा हुआ है है ना चौबीस नंबर जो बच्चा हुआ है या फिर मैं बोलूँ बीस नंबर जो बच्चा हुआ है उसकी तैयारी के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा ठीक है तो जो चैप्टर नंबर दस और चैप्टर नंबर तेरह है जो फिजिक्स पोर्सन है कौन सा प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन का जो चैप्टर है, है ना उससे भी पांच नंबर का जो क्वेश्चन आता है उसको अब चलना है ये कंप्लीट करने के बाद जो आत्मविश्वास बढ़ा हुआ है क्या करना है आत्मविश्वास जरूर बढ़ा है आपको क्या करना है एकदम कॉन्फिडेंस नहीं लेना है आपको आत्मविश्वास को बनाकर रखना है और ये सोचना है कि अब जो बचा हुआ है उसको भी कर लेती हूं या फिर कर लेता हूं फिर कंप्लीट हो जाएगा तो आप क्या सोचोगे इसमें जाओगे इसको करोगे बच्चा उसके बाद फिर लास्ट में जो विद्युत की चुनकी प्रभाव है उसको भी करना है फिजिक्स का अब ये तीनों कंप्लीट करते साथ दो चैप्टर इधर एक चैप्टर इधर तीन कंप्लीट हुआ इधर से कर लिया कितना तीन दो पाँच पांच चैप्टर करना है सुरुज में ही अगर सुबह उठते हो पांच बजे पांच बजे उठते हो अगर है ना बच्चा तो पांच बजे उठते हो तो आपका दोपहर के बारह से एक बजे तक अगर मैं बात करूं इस बीच में आपको नहाना भी हो जाएगा लंच भी हो जाएगा जैसा भी हो उस उसके बाद अगर मैं बात करूं तो आप सीधा पांच चैप्टर कंप्लीट कर लोगे या फिर अगर चलो चलो शाम के तीन से चार बजे तक समझू पांच चैप्टर में तो भी कोई दिक्कत नहीं है आपको क्या करना है ये कंप्लीट करने के बाद दो से जो तीन घंटा बचता है अगर मैं बोलू तो छह से सात बजे तक कंप्लीट आपका लोगे कहा तक ये विद्युत के चुंबकीय प्रभाव और ये जो लास्ट चैप्टर है कंप्लीट अट्ठारह चैप्टर जो है आपके शाम के छह से सात बजे तक कंप्लीट हो जाएगा कब जब आप अच्छे से मेहनत करेंगे तो ये दो दिनों की छुट्टी में आपको कर करना है एकदम नया टॉपिक को नहीं लेकर चलना है क्योंकि आप साल भर नहीं पढ़े तो कम से कम ये दो से तीन महीने पहले, पहले, पहले अगर जो चालू किए हो आप है ना दो से तीन महीने में कैसे जैसे जनवरी और फरवरी में पढ़े होंगे आप तो उसमें तो आपको बहुत सारा चीज पता होगा ना तो ऐसा तो नहीं है कि आपको रटने में या फिर याद करने में बहुत टाइम लगेगा क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें जिसको रटना पड़ता है जैसे कि क्या कुछ कुछ का वैल्यू का क्या है मान क्या है सर और रिएक्शन कैसे होती है उसको थोड़ा सा रटना पड़ जाता है समझ समझते सब हो लेकिन रटना पड़ता है ताकि लिख सको करके तो ये सब का काम आप कर लिए होंगे तो अभी रिवीजन में आपको टाइम नहीं लग रहा होगा ठीक है बच्चा तो आप क्या समझे सर मैं जो है शाम 6:00 बजे के साथ 6:00 से 7:00 बजे तक मतलब मैं 12 मार्च तक क्या कर दिया भाई कंप्लीट कंप्लीट क्या कर दिया मैं 6:00 से 7:00 बजे शाम तक मैं कंप्लीट पढ़ लिया 18 के 18 चैप्टर अब क्या करना है मस्त जाना है मम्मी के पास चुपचाप खाना खाना है और मम्मी को बोलना है कि मम्मी मैं एक बार सब पढ़ ली हूँ सब पढ़ लिया हूँ अब मुझे रिव्यूजन करना है अब कुछ बच्चों का टाइम में रहता है ये कि रात को नौ बजे सो जाते हैं कुछ बच्चों का टाइम रहता है कि रात को दस बजे सोते हैं तो बच्चा हुआ तीन घंटा उसमें आपको क्या करना है बच्चा उसमें रिव्यूजन स्टार्ट करना है और रिव्यूजन कहाँ से स्टार्ट करना रिव्यूजन स्टार्ट करना वो जो

सात घंटा कम से कम अगर आठ घंटे भी सोते हो तो कोई भी दिक्कत नहीं है लेकिन सब कंप्लीट करना चलना ठीक है दस सुबह उठ जाना भाई पांच बजे पांच बजे उठ के आपको कुछ नहीं भाई जैसे ही फ्रेश होए जैसे ही आपने जो दैनिक क्रिया हो किए उसके बाद आपको चुपचाप पढ़ना है बच्चा चुपचाप कितने घंटा बचा है आपके पास आपके पास बच रहा है कितना भाई ढाई से तीन घंटा बच रहा है सुबह उसमें और जो अगले दिन हुआ जो आपको क्या बारह तारीख हुआ जो तीन घंटा बच रहा है तीन घंटा अगर आप क्या समझे अगर ये तीन घंटा और ये तीन घंटा वो आप रिव्यूजन में लगा रहे हो अगर कम लग रहा है आपको बच्चा तो आप क्या कर सकते हो भाई इसका इधर का स्पीड बढ़ा दो किधर जो शाम छः बजे सात बजे तक कंप्लीट हो रहा था उसको कर दो पाँच बजे तक कंप्लीट करने का पूरा कोशिश करो शाम पाँच बजे का ताकि रिव्यूजन के लिए टाइम मिल जाए है ना तो लगभग दस घंटा आपको रिव्यूज़न में देना है दस से बारह घंटा देना है आपको रिव्यजन में तो अगर मैं ओवरऑल बात करूं बच्चा तो हमें क्या करना है जो रिव्यूजन का टाइम है सर जो रिव्यूजन का टाइम है उसको मैं क्या करूं 10 से 12 घंटा मुझे रिव्यूजन करना पड़ेगा और बाकी जो और है जो जितना भी घंटा है उसमें मुझे क्या करना है पूरा शुरू से पढ़ना है मतलब मैं बात करूं तो डे जीरो में हमने कितना घंटा पढ़ा भाई कितना घंटा पढ़ा वो मैटर नहीं करता कितना कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो कितना चैप्टर पढ़ रहे हो वो मैटर करता है ना तो डे जीरो में आपका लक्ष्य था सर दो चैप्टर का ठीक है डे वन में आपने पढ़ रखा है कितना भाई डे वन में आपने पढ़ रखा है भाई टोटल कंप्लीट अगर तो सात चैप्टर फिर डे टू में आपको क्या करना है बच्चा डे में लगभग नौ चैप्टर के आसपास पढ़ना है जिसमें से कुछ बड़ा बड़ा क्वेश्चन जिसका मैं प्लेलिस्ट में अच्छे से वीडियो दे चुका हूँ भाई वो सिलेक्टेड क्वेश्चन अगर पढ़ते हो और साथ में कुछ उसका बेसिक्स भी जानकारी रखते हो तो आपको एग्जाम हंड्रेड टेन बन जाएगा भाई ठीक है लेकिन आपको पढ़ाना है अच्छे से ना ऐसा नहीं कि जैसे जितना बताया प्रीवियस क्वेश्चन या फिर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वही बस पढ़ के गया और कुछ दूसरा पूछ दिया ऐसा बनाने वाली जो सिचुएशन आए तो आपको क्या करना है आपको क्या करना है बच्चा आपको डीप ब्रीथ करना है और याद करना है कि उससे टॉपिक क्या था और कैसे हमने पढ़ाया था या फिर कैसे आपने पढ़ा था उसको पूरा याद करना है ठीक है लेकिन कॉन्फिडेंस आपको बनाकर रखना है हार नहीं मानना है ठीक है फिर ये कंप्लीट करते ही आपको ये समझ में आ जाएगा अगर आपको लगता है कुछ चेंज करना करके तो आप अपने सुविधा अनुसार कुछ बच्चों का ये रहता है कि शुरू में बहुत सारा चैप्टर पढ़ लेते हैं लास्ट टाइम रिविजन भी आप फोकस करते हैं तो वो भी कर सकते हैं है ना लेकिन जो आपका जो क्या है बच्चा आपका जो टाइम है वो कम होने कारण दो दिन के कम होने के कारण आप ऐसा के हिसाब से पढ़ा सकते हैं कैसे दो चैप्टर पहले दिन, जो रात में है, उसमें कर लो सात करता है तो ठीक कर तो, कर है आठ तो इसमें भी आठ मिल जाएगा फिर देख लेना आप ठीक है लेकिन ऐसे चलोगे तो ज्यादा क्या रहेगा बच्चा आपके मन को आपके जो माइंड है उसमें स्ट्रेस जो है ज्यादा नहीं आएगी और आप रिलैक्स होके अच्छे से कंप्लीट पढ़ पाओगे बस आपको रिवीजन करने में स्मार्ट तरीके से रिविजन करना है स्मार्ट तरीके से ठीक है बच्चा स्मार्ट तरीके से तो इस प्रकार आपका ये दो दिन का जो शेड्यूल है बच्चा उसको अच्छे से आपको फॉलो करना है तब जाके आप क्या करोगे आपका जो क्या है डे फाइनल है कौन सा भाई जो तेरह मार्च को है है ना अगर मैं बात करूं तेरह मार्च को तो उस दिन आप अच्छे से परफॉर्मेंस दे पाओगे बच्चा और उस दिन आप क्या कर, सको, कर भाई उस दिन आप पूरा अपना टारगेट अपना जितना पढ़ लिए थे उसको आप अच्छे से परफॉर्मेंस करोगे और साइंस में आप अपना हंड्रेड एंड टेन परसेंट लगा के आओगे ठीक है बच्चा तो यहां तक की बात समझ में आई बस आपको जुट जाना है अभी से लग जाना है ताकि कल और परसों आप अच्छे से क्या कर पाओगे हंड्रेड एंड टेन परसेंट अपना दे पाओगे परफॉर्मेंस किसमें स्टडी में उसके बाद आपको तो तेरह मार्च को फाइनल के दिन तो अच्छे से लिखना है अच्छे से नींद लेके जाना नींद कंप्लीट करके जाना है और खाना पीना भी अच्छे से ध्यान देना है क्योंकि हेल्थ जो है बहुत बच्चों का इस टाइम में खराब होता है आपको क्या करना है खाना पीना प्रॉपर खाना है बीच बीच में पाँच पाँच मिनट का तीन तीन मिनट का ब्रेक लेना है जिसमें घर वालों से बात करना है दोस्तों से बात करना चाहो तो कर सकते हो नहीं तो फिर घर वाले ही जो है उन लोग से बात कर लो ये ज़्यादा सही रहेगा बच्चा ठीक है तो ये सब करते हुए आपको तेरह मार्च को परफॉर्मेंस देना है द बेस्ट बच्चा मैं फिर मिलूंगा कल ठीक है तो आज के लिए इतना हैं मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में धन्यवाद